को नमस्ते प्रणाम सलाम नमस्कार जय हिंद। देखिए अभी जो हम विषय लेकर आए हैं टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। टीचिंग वोकैबुलरी का मतलब होता है शिक्षण शब्दावली, वोकैबुलरी शब्दावली, ग्रामर व्याकरण पीरियड है आप समझ आए। इसमें पहला है सबसे पहले ग्रामर जो है आप जानने एक ग्रीक भाषा से, ठीक है, और इसका अर्थ होता है पत्र की कला, यानी बोल लेना, किसी भाषा को बोल लेना, एक लेवल भी देखते समझते सुनते बोल लेता है, लेकिन उसको सही और शुद्ध बोलना एक ग्रामर ही सिखा सकता है, क्योंकि ग्रामर की परिभाषा क्या है, जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना है। तो चलिए व्याकरण अनुवाद विधि देखिए। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, ट्रांसलेटिव शो बोलते हैं, किसी चीज को अनुवाद करना है हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, तो उसमें व्याकरण किसका कर सकता है, व्याकरण अनुकूल ही है, अदरवाइज सही शुद्ध ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। दूसरा सीधा तरीका है, सीधा तरीका क्या है, इस विधि में भाषा सीखने वालों को सीधी अंग्रेजी में सोचना चाहिए, यह विधि लिखित मौखिक वस्तुओं के माध्यम से अर्थ बताने में केंद्रित है, यानी कहने का मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं इंग्लिश वो सही गलत है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन इतना है कि हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं। यह सीधी तरीका और टेढ़ी तरीका क्या है कि जिसमें ग्रामेटिकल शुद्धि हो, इसमें ग्रामेटिकल शुद्धि भी नहीं है, गलत भी है, फिर भी आप उस भाषा को समझ जा सकते हैं। जैसे अरे गाड़ी जाएगा होगा, गाड़ी जाएगी, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जाएगा गाड़ी जाएगा, गाड़ी हम समझ गए जाएगी भी होगी और जाएगा भी होगी। तो एक एक व्याकरण को पकड़ रहा है, एक नियम व्याकरण है, समझ में दोनों बात बराबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अर्थ का आनंद भी होता है, करने की माता कुंती है और करने की माता कुंती है, सिर्फ एक बिंदु चुक जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ध्यान रखने की जरूरत है। उसका दूसरा है संरचनात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है भाषा सीखने के ध्वनि के सिद्धांतों पर है, यह विधि भाषा का अर्थ स्पष्ट करता है, भाषा क्या है उसको स्पष्ट करता है, एक पैटर्न एक विशेष व्यवस्था जो व्याकरणिक अर्थों को इंगित करता है, जैसे वो हमसे यहां से दूरी में है, ऐसे क्वेश्चन सीरीज दोनों अर्थ दोनों एक ही हो रहा है। इसके बाद जो व्याकरणी अर्थ इंगित करती है यह एक शब्द एक वाक्यांश एक वाक्य हो सकता है। मौखिक दृष्टिकोण, मौखिक दृष्टिकोण जिसमें बच्चे अपने आस पास से जो भी प्राप्त करते हैं, यानी जो अपने माता पिता से सीखते हैं या अपने मित्रों से सीखते हैं, बहुत सारी बातें हैं ना कि लोग मित्र से भी सीख लेते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, घर परिवार में सब रहता है, आप मैथिली बोलो हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो उस भाषा को ग्राह्य कर लेते हैं। तो ये कैसे एक मैथिली मैंने मौखिक दृष्टिकोण है, इससे जो है दृष्टिकोण पढ़ने लिखने कौशल के विकास में मदद करता है, निश्चित है इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं आपको उसमें मदद करेगा। दूसरा सरल विधि, अभी तुम्हें बोलने बोलने बताते हैं कि व्यक्ति सही उच्चारण करने से जल्द समझ में आता है और इसकी प्रतिक्रिया समझ में आती है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है कौन निर्जीव है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या है। जैसे देहात में कैसे बोलता है कि चली ना हो जरा भागा जा रहा था, तो जो जानवर है उसको एक आध मानता है और जो नियत मालिक है करता धरता सभी है उसको निर्जीव मानता है। तो ये क्या है, समझने और सोचने की है, माने ये सब चलने ठीक से कर रहा था, आप हमको कहेगा चलने से हो, तो ये क्या है कि उसको नहीं समझ में आने के कारण कुछ बोलता है, लेकिन हाँ हम उसकी भाषा को समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है। जैसे हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी थे वो तुम तब करते थे, मैं समझ गया कि नचानी है, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं, वो जानबूझकर नहीं करते, वो उनकी लचारी हिंदी को आती है, आप चाहे तो टॉक इन इंग्लिश अदरवाइज यू लिसन ऑल थिंग्स एंड
अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे है शारीरिक प्रतिक्रिया। देखिए आपका हाव भाव भी बहुत कुछ बोल देता है, जिसको हम बोलते हैं गेस्चर एंड पोस्चर। हम बहुत सारी चीजें हाव भाव में माने जा रहा, ठीक है, चुप रहो, है ना, तो हमारा हाव भाव भी बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। इसके बाद अव्यक्त भाषा शिक्षण, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त भाषा शिक्षण का मतलब है प्रकृति दृष्टिकोण से भाषा परमुष का रूप में संचारित कर दृष्टि में भाषा को वाहक या संदेश सूचना देने का भाग माना गया है। यानी हमारा ये जो शब्द है ये हमारा संदेश वाहक है जो एक दूसरे तक पहुंचाता है, चाहे मीडिया का थ्रू या और के थ्रू। इसके बाद प्राकृतिक दृष्टिकोण मैंने बता दिया, पास आधारित भाषा शिक्षण है ना, तो ये क्या है पास आधारित भाषा शिक्षण, कुछ काम आपको दे दिया और उस काम को करके आ सकते, तो टास्क आधारित पता है होमवर्क। संचार भाषा शिक्षण, संचार भाषा शिक्षण जो हम बताए, जो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं, या फिर वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं आपस में, ये खेलते हैं लोग जिससे वोकैबुलरी का विकास होता है, लूडो का लोग सेंस डेवलपमेंट होता है, वोकैबुलरी का विकास होता है, क्या बोलते हैं उसको, चेस, ऑल अदर सेंस डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हमारे मस्तिष्क में उतरा हुआ है उसको बोलते हैं क्विज, क्विज क्या हिंदी क्या बोलते हैं अंताक्षरी, इससे वोकैबुलरी हमारा मजबूत बनता है, ठीक है। तो हमारा जो आज का ये विषय है किसी वोकैबुलरी ग्रामर, इसके साथ संवाद समाप्त होता है। जय हिंद।